नमस्ते एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत अच्छा लग रहा है टू बी परफॉर्मिंग फॉर नवरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. एंड दीज टाइम्स आर सच यूनिक टाइम्स कि हम स्टूडियो में हमारे ही शहर में बैठ के हम यहाँ बजा रहे हैं, और आप जहाँ पे भी हैं अपने अपने घरों में आप सुन के उसका आनंद ले रहे हैं. तो वी हैव ट्राइड कि जो स्टूडियो सेटअप है, साउंड सेटअप है, दैट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी. तो लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो दैट्स जस्ट टेक्नोलॉजी. तो हम ही हैं तो हम ही इंट्रोड्यूस भी कर लेंगे. तो आई हैव वेरी नाइसली गॉट अ स्क्रिप्ट, तो मैं वो आई विल रीड इट आउट. बेसिकली थोड़ा अगर आपको नवरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आप सब तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर कोई नए श्रोता है आज उनके लिए, नवरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 टू प्रमोट एंड रिवाइव हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक एंड अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स इन बिहार. एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव नवरस हैज़ ऑर्गेनाइज नियरली 120 कॉन्सर्ट्स एंड इवेंट्स. The entrance to all the Navras events are free and open to all. During this corona pandemic, when concerts have been badly affected, Navras is doing weekly online live concerts to promote the art. So I think that is a great, beautiful and lovely initiative, and it was a great pleasure for me interacting with Ajit Pradhan ji, Dr. Ajit Pradhan ji, and of course Jha uncle from Baroda, who also helped make it happen. So agar chhota sa introduction aap hi bata dijiye mic upar karke. Mera naam Ajit Pathak. Maine apni shiksha tabla ki sarvpratham apne pitaji se liya, Sri Dev Chandra Pathak. Uske baad main Padma Bhushan Pandit Kishan Maharaj ji se bhi sikha, aur फिर उस्ताद साबिर खान साहब से कलकत्ता में, वहाँ भी रह के मैंने काफ़ी सीखा गुरु शिष्य परंपरा के तहत, और आप लोगों के साथ बजाता रहता हूँ. धन्यवाद. अजीत अंकल के साथ हम बहुत बहुत सालों से बजाते आ रहे हैं. इनफैक्ट ही हैज सीन अस सिंस वी वर लिटिल. आई थिंक एटलीस्ट 10 साल से तो साथ में बजा रहे हैं. और little bit about me, mera naam, my name is Nandini Shankar. I am a Hindustani classical violinist. I belong to a family legacy of Hindustani violin. My guru, my grandmother Padma Bhushan Dr. N. Rajam, my mother Dr. Sangeeta Shankar, both of them I respect so much, and they have given so much knowledge and they have enriched the world by their presence and their beautiful, beautiful music. So and it is my honor and pleasure to be a part of Navras School of Performing Arts today. And maine suna hai ki audience bahut sunkar hai, bahut acche se sunte hain aur raagon ko pasand karte hain. And ye jo concept hai ek ek raag ko present karna, that's also very nice. To aaj pehle shuru karenge, sham ka samay hai to राग यमन के साथ. जी
कमेंट कर दे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं यहीं पर देख भी रही हूँ। तो शुरुआत राग यमन से, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल तराना। Thank you.
Thank you.
साज का भी अपना ही मूड होता है। Thank you.
Thank you.
धन्यवाद। अजीत प्रधान जी ने कहा था कि बंदिश को अगर एक बार गा के भी सुना दूं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर शब्द पता हो जाते हैं तो बहुत लोग को एक मीनिंग मिल जाता है जिससे वो रिलेट कर सके वही बंदिश के साथ। तो मैंने पहले नहीं गाया क्योंकि मेरा गाने का सुर और मेरे बजाने का सुर बहुत अलग है। वायलिन तो बहुत ऊंचा होता है तो मैं दूसरा सुर लेके इसके जो शब्द है वो गा के सुना देती हूँ। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम एक भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, कवन जतन अब करिए आली, कवन जतन अब करिए आली, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी, नाही परे मोहे चैन एक घड़ी, पिया की नजरी या जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, पिया की नजरिया। तो ये शब्द थे, बस कोशिश है, थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, वैसे तो सीखा नहीं है। और अगला जो राग है समय के हिसाब से, और मेरा चहिता और ये फरमाइश है वापस, राग जयजयवंती, बहुत ही मीठा राग है। और उसके भी मैं अभी शब्द आपको समझा देती हूँ। मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, मोरे मंदिर अब लो नहीं आए, काय सी चूक परे मोरी आली, काय सी चूक परे मोरी आली, मोरा मंदिर अब लो नहीं आए, मोरा मंदिर अब लो नहीं आए, प्रेम पिया को अखियां तरस रही, 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 किन सौतन भिर माए, किन सौतन भिर माए, मोरे मंदिर अब लो। जब पता होता है कि श्रोता सामने है तो सफेद तीन पर वापस चले जाए, मिला दे। Thank you.
लाख जय जय वंती। Mm-hmm.
अभी जो अगली पेशकश है वो होरी खमाज में मोपे डारो नरंग गिरिधारी रे, तो उसके जो शब्द है वो वापस मैं एक बार सुना देती हूँ। उसमें दो चीज़ हो जाती है, मुँह पे डारो ना रंग, रंग मत डालना, और मुँह पे डारो ना रंग, है ना। तो ठुमरी की जो स्पेशलिटी होती है, जो प्लेफुलनेस होती है, तो ये होरी में एकदम उभर के आती है। मुँह पे डारो ना रंग गिरधारी रे, मुँह पे डारो रंग गिरधारी रे, मुपे डारो रंग गिरधारी रे। फिर अंतर आ जाता है, भरी पिचकारी मोपे, भरी पिचकारी मोपे, डारो न कान्हा, डारो न कान्हा, भरी पिचकारी मोपे, डारो न कान्हा, भीज भरी पिचकारी मोपे डारो न कान्हा, भीजेगी मोरी सारी रे। तो अभी इन मतलब हमारे पास यूपी बिहार के ही तबला वादक भी हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं है होरी के लिए।
थैंक यू सो मच।